और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पुंडरी में शिक्षा कार्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों की मासिक परीक्षाएं 9 बजे की शुरू थी, लेकिन खंड शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रश्न पत्र समय पर वितरित ही नहीं किए गए, जिस वजह से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि खंड शिक्षा कार्यालय में जिम्मेदार कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी समय पर नहीं निभाई और ना ही खंड शिक्षा कार्यालय इस बारे में जवाब दे रहा है कि ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है। जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। तो हम यहाँ पे 7:30 बजे से पहले गया हुए हैं और हम यहाँ पे देखा, यहाँ पे ताला लगा हुआ था अंदर। 8 बजे के बाद यहाँ पे एक कर्मचारी आए, उसे ताला खुलवाए। ताला खुलवाने के बाद जब हम अंदर हॉल में आए तो वहाँ पे अव्यवस्था थी पेपरों की। कोई पेपर स्कूल वाइज नहीं लगे हुए थे और ना ही कोई पेपर मतलब सब्जेक्ट वाइज लगे हुए थे। मैं शुक्रवार को छुट्टी पे था, मुझे पेपर का पता ही नहीं था, मैं नहीं था। शुक्रवार को छुट्टी पे था, ये पेपर आए शुक्रवार को शाम ने। तो किसकी जिम्मेवारी थी ये? शुक्रवार शाम ने ये जिम्मेवारी किसकी थी? यहाँ पे जोगिंदरपुर उसको कह के गए थे, ये टाइम पे नहीं आए। नहीं आ रहे टाइम पे, आ रहे पता क्या, जो परसों पेपर उतार के गए ना, ये बोल के गए इनको भी स्कूल वाइज निकाल के हमने। इन्होंने स्कूल वाइज ही बंडल सेट कर दिए, जबकि वो थे सब्जेक्ट वाइज।